हेलो बच्चे, टुडे वी विल टॉक अबाउट द बीटी बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल्स डिफरेंट एग्जाम्स है. ओके, एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है बच्चे, ठीक है. बीटी कॉटन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. हाउ बीटी टॉकन्स बीटी कॉटन अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चे, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन, ठीक है बच्चे. कुछ बातें को पहले सुन लेते हैं बच्चा. सिंपल सिंपल चीज क्या है कि बीटी कॉटन जो है ना बच्चा, ये हमने जो डेवलप किया है वेराइटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बैक्टीरिया दैट इज नोन एज बेसिलस थ्रिंजेनेसिस, वहीं से बीटी टर्म आया बच्चा, ठीक है. और अगर बात करें तो इसमें जीन्स प्रेजेंट है, क्राइजीन, CRY क्राइजीन्स, दैट्स अ क्रिस्टल प्रोटीन. ये क्राइजीन बच्चा कोड करता है क्रिस्टल प्रोटीन को, और वहीं से बच्चा क्राइजीन से CRY, दैट्स क्रिस्टल से CRY टर्म आया बच्चा, ठीक है. बीटी कॉटन प्रिवेंट करता है कॉटन प्लांट को और सब और प्लांट को भी हमने डेवलप किया, ब्रिंजल्स को डेवलप किया बच्चा, बीटी पोटेटो भी डेवलप किया है, उन्हें काफी लार्वा से बचाता है बच्चा आपने, और बहुत सारे इंसेक्ट से बचाता है, टॉबिको बर्ड वॉर्म से, आर्मी वॉर्म से, बीटल से, फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटो से बचाता है बच्चा, डिफरेंट वेराइटी, ठीक है. उसके भी कोडिंग जीन है, क्राई फर्स्ट क्राई सेकेंड, हम सब बात करेंगे सबके बारे में आज, ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बीटी, ठीक है. बीटी बच्चा ये टर्म आया बैसिलस थ्रिंजेनेसिस, ओके, इनसे टर्म आया बीटी, ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे बच्चा बीटी में, तो होता क्या है बच्चा, ये जो क्राय एक जीन है बच्चा, क्राय जीन, ये कोड करता है एक प्रोटीन का जिसका नाम है बच्चा क्रिस्टल प्रोटीन, और ये प्रोटीन ना बैक्टीरिया में इनएक्टिव रहता है. बैक्टीरिया में ये प्रोटीन कैसा होता है बच्चा, इनएक्टिव होता है बैक्टीरिया में ये प्रोटीन, क्राय प्रोटीन जो है बच्चा इनएक्टिव होता है. बट जैसे ही ये इनगल्फ करता है मॉस्क्यूटो या कोई भी फ्लाइज और उसके एब्डोमेन में जाता है बच्चा, तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट जो होता है बच्चा क्राय प्रोटीन जो एक्टिवेट होता है वो कहां पर होता है बच्चा, मॉस्क्यूटो में होता है या उसके गट्स में होता है, किसी भी बीज के गट्स में होगा बच्चा, ठीक है. तो अगर एग्जाम्पल मॉस्क्यूटो ले तो मॉस्क्यूटो उसके गट्स में हो जाएगा बच्चा, ठीक है. गट्स में कोई भी लार्वा के गट में होगा, कैसे होगा बच्चा, तो एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होता है, ठीक है. एल्कलाइन मीडियम गट्स जो होते हैं मॉस्क्यूटो के या कोई भी इंसेक्ट्स बीज के, उनके जो मीडियम्स को क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम एक्टिवेट करता है बच्चा, ठीक है. क्राय प्रोटीन एक्टिवेट होता है मॉस्क्यूटो के गट्स में, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है. अगर बात करें तो ये तीन क्लास जो हमारे इंसेक्टा के हैं उनसे ये प्रिवेंट करता है. एक है लेपिडोप्टेरेंस, LCD याद करने का तरीका बच्चा, लेपिडोप्टेरेंस, ठीक है, कॉलियोप्टेरेंस और सबके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने बच्चा, और डिप्टेरेंस, ठीक है, डिप्टेरेंस सबके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने बच्चे, ठीक है. अगर बात करें इसके अंदर आता है बच्चा टॉबेको बर्ड वॉर्म्स आते हैं इसके अंदर, और अगर इसमें बात करें तो बच्चा इसमें आता है बीटल्स, ओके, इसमें आते हैं बीटल्स, और इसमें बात करें तो जितने भी फ्लाइज है बच्चा साथ में मॉस्क्यूटो, ये डिप्टेरेंस में आते हैं, ठीक है. और इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी NCERT में क्या क्या लिखा है, तो वी कैन एड द सम अदर थिंग्स लाइक आर्मी वॉर्म्स, ये आर्मी वॉर्म्स भी अच्छे इसमें आते हैं लेपिडोप्टेरेंस में, ठीक है. आर्मी वॉर्म्स, दीज आर एग्जाम्पल्स, आपको सीधा याद रखना है LCD, ठीक है बच्चे, LCD, बीटी कॉटन्स में और क्या बातें हैं बच्चा इंपॉर्टेंट, कैसे क्या है आपके लिए NCERT में, ठीक है बच्चे. एग्जाम्पल्स की बात करें तो बीटी राइस, बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल्स, बीटी पोटेटो और बीटी कॉटन, मोस्ट फेमस दैट इज बीटी कॉटन. फूड वाले में बच्चा हम सब यूज नहीं करते, क्योंकि फूड आइटम्स में जो खाने वाले जो हम खाते हैं बच्चा, उनमें हम बैसिलस थ्रिंजेनेसिस जीन का इस्तेमाल नहीं करते. ऐसे चीजों में इस्तेमाल करते हैं जो रेगुलर चीजों में यूज होती है, जैसे बेड बनाने में आपका कॉटन का इस्तेमाल होता है, बेड पिलोज बनाने में बच्चे, ठीक है. और अगर बात करें तो सिंथेसिस ऑफ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो होता है बच्चा, ये इंसेक्टिसाइडल जो क्राई जीन है यही करता है बच्चा, बैसिलस थ्रिंजेनेसिस का ये जीन है, ठीक है. बीटी में और क्या क्या बातें आपके NCERT में लिखा हुआ बच्चा, तो क्राय की एक और वैरायटी दी हुई बच्चा, क्राय फर्स्ट AC एंड क्राय सेकेंड AB, ठीक है, एंड ऑल्सो क्राय फर्स्ट AB, तो ये भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है. आई विल ड्रॉप द सम पोर्शन, ओके. अगर बात करें बच्चा तो क्या क्या है, क्राय फर्स्ट एंड क्राय सेकेंड, ओके बच्चे, तो क्राय फर्स्ट एंड क्राय सेकेंड जो है, और क्राय फर्स्ट सेकेंड के अंदर अगर बात करें तो एक AC है बच्चा और एक AB है, ठीक है. ये दो जो जीन है ना स्पेसिफिक किसको मारता है बच्चा, आपकी NCERT लिखती है, दे कंट्रोल कॉटन बॉल वॉर्म्स से इसको प्रिवेंट करती है बच्चा, कॉटन बॉल वॉर्म्स से. और अगर बात करें बच्चा क्राय फर्स्ट AB की,
क्राय फर्स्ट एबी की जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है दैट्स क्राय फर्स्ट एबी कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर, ओके कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर, ये एग्जांपल आपको एकदम याद रखना है बच्चे, ठीक है। स्पेसिफिक बातें करें तो दीस प्रोटीन्स आर क्रिस्टलाइन नेचर सो दे आर नॉन एच क्राय प्रोटीन्स एंड जीन इज नॉन एच क्राय जीन। पार्टिकुलर बैक्टीरिया स्ट्रेन सीक्रेट्स पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन विच किल्स पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फिर वही बात करते हैं बच्चा, द प्रोटीन रिमेन्स इनएक्टिव इन बैक्टीरिया बट इट एक्टिवेट्स इन द एब्डोमिनल, और क्या करता है बच्चा पोर कर देता है, जैसे मान लो ये मॉस्किटो है बच्चा या कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर, तो ठीक है जब जब हम क्राय प्रोटीन को इसके स्टमक में जाता है बच्चा क्राय प्रोटीन, तो ये क्या करता है एक्टिवेट हो जाता है क्लाइमिडियम में, और ये क्या कर देगा इसके अंदर काफी ज्यादा स्वेलिंग कर देगा पोर्स, और वाटर लीक आउट करने लगेगा, इस तरह से इसकी डेथ हो जाएगी बच्चा। This is the mechanism of action, okay? And nothing else in this topic, okay? याद रखना pH medium alkaline pH में activate होता है cryogen, cryogen किसको protein को करता है बच्चा crystal protein को, और इन सब का example याद रखना LCD that is leptospirosis, coleopterans and dipterans, okay? Thank you.